वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोलो आरवी में। आज मैं फिर आपके लिए कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ। इंटरेस्टिंग मतलब सेफ्टी गियर से रिलेटेड है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फिलहाल ट्रिप तो मेरे कहीं हो नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सेफ्टी गियर्स पे थोड़ा खर्च कर लेता हूँ पैसा, क्यों, बिकॉज सेफ्टी इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब भी मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया था तभी मुझे सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी, फिर मतलब इतना ध्यान नहीं देते थे। वही टोटल मतलब इंडियन टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी, क्यों इतना पैसा खर्च करना, अगर मान लो सस्ती चीज़ मिले सस्ते में लो वो ज़्यादा ठीक है, वो अपना टिपिकल इंडियन स्टाइल रहता है ना, वही वाला। तभी मैं उस टाइम पे एक ट्रिप पे गया था और मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें, और मेरे यू नो इस हाथ में भी चोट लगी थी, यहाँ पे कलाई टूट गई थी वो टाइम पे, इसमें इतना जोर से गिरा था वो टाइम पे मैं। तो जब मैं गिरा था तो मेरी बाइक ना स्किड होकर बहुत दूर तक घिसती हुई गई थी, सेम वे मैं भी, लेकिन वो टाइम पे मैंने जो राइडिंग गियर पहने थे उन्होंने मेरी जान बचा ली थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब मैं पूरा ऐसा रोड पे घिसता हो गया था, मेरी बीवी बाइकिंग ब्रदरहुड की जैकेट थी तो फटी नहीं थी, वो उधर से पता चलता उसकी बिल्ड क्वालिटी कितना अच्छा है, ठीक है, वो पहनी थी। प्लस ग्लव्स तो थे मेरे जो फट गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो ग्लव्स मैंने अभी तक रखे हुए हैं, कभी कभी यूज़ करता हूँ उन्हें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास था नी गार्ड जो प्रॉपरली लोकल था, कुछ ऐसा था नहीं उसके अंदर, मैं दिखाता हूँ। तो ये नी गार्ड था वो टाइम पे जो मैं पहना था, जब भी मैंने ख़रीदा था ना इस पर यहाँ पे अल्पाइन स्टार का लोगो था, स्टिकर चटका के रखा था, तो मेरे को लगा ये अल्पाइन स्टार का है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में पता नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अल्पाइन स्टार बहुत महंगा ब्रांड है जो इजीली मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये सोच के मैंने ख़रीदा था, ये मेरे को उस टाइम पे 1200 रुपये का मिला था, लेकिन फिर भी इसने डिसेंट काम किया था, मैं बच गया था। देखो यहाँ पे फुल आपको स्क्रैचेस दिखेंगे, यहाँ पे सब जगह ये सब यहाँ पे पूरा स्क्रैचेस दिखने वाला है। ये सब प्लास्टिक आप देखोगे ना बहुत सॉफ्ट है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए फ्लेक्सिबल होने के लिए, अदर वो एकदम डायरेक्ट क्रैक आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसने डिसेंट जॉब किया था उस टाइम पे। हाँ, लेकिन मेरा पैर फटा नहीं, घिसा नहीं, वो सब नहीं हुआ था, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है गिरने के बाद वो फील हुआ था। अगर इसका प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड होता, ठीक ठाक होता, मतलब फ्लेक्सिबल प्लस हार्ड, तो वो मुझे नहीं होता था उसमें, ठीक है। तो ये मैंने तब ख़रीदा था और मैंने अभी तक रखे हैं संभाल के, मतलब मैंने फेंके नहीं आज तक भी, पता नहीं इमरजेंसी में कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो अभी मैंने जो राइडिंग गियर्स मंगाए ना, अभी मेरा भाई भी काफ़ी ट्रिप पे जाने लगा है, उसका भी एक बाइकर्स ग्रुप है तो उनके साथ वो जाना पसंद करता है, तो मैंने सोचा उसके लिए भी सेफ्टी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट कि उसके लिए भी कुछ खरीदा जाए। तो रिसेंटली उसके लिए एक जैकेट लिया है क्रॉस का, ठीक है, वो उसके लिए ले लिया है, हेलमेट ऑलरेडी है, तो उसके लिए अभी ग्लव्स और नी गार्ड की ज़रूरत थी। ये है मोटोटेक के नी गार्ड, शायद आपको याद हो मैंने आपको एक बार जो राइडिंग गियर में यूज़ करते हैं एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखाया। ये मैंने ये सेम जो नी गार्ड है मैंने मेरी लास्ट ट्रिप में जो लॉन्गेस्ट ट्रिप थी मेरी मुंबई टू स्पीति वैली उसमें यूज़ किया था, और उसमें एक बार मैं गिरा भी था, लेकिन इसने जो हैंडल किया था ना वो मतलब मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। तो अभी मैंने ये क्यों सजेस्ट किया था मेरे भाई को, क्योंकि मैं इसके एक बार यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे पता है इसका क्वालिटी कैसा है। मोरओवर इसको बायोनिक नी गार्ड बोलते हैं, बायोनिक मतलब कैसा, इसके अंदर जो ये पार्ट है ना, अगर आप नीचे बैठ भी जाते तो भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा आपको उसके बाद, इसलिए ये बहुत अच्छे हैं। अब यूजली दूसरे में कैसे आता है, यहाँ पास मतलब थोड़ा रबर के जैसा ये या फिर दूसरे पार्ट्स के जैसे लगे रहता है, वो इस तरह से मूव नहीं होता, इतना अच्छा मूवमेंट नहीं होता उसके अंदर, मतलब ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, प्लस अंदर भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, अगर हम गिरते भी हैं और कुछ लगे भी तो ये काफ़ी अच्छा एब्जॉर्व कर लेता है जो इसके अंदर का जो स्पंज है। और रिसेंटली ऑफर भी चल रहे थे तब मैंने ये ऑर्डर किया था, तो एक्चुअली इसका कॉस्ट है 4450 और ये मेरे को पड़ा था 37-35 में कुछ पड़ा, ये रिसेंटली जब मैंने ऑर्डर किया था मेरे भाई के लिए, तो मतलब काफ़ी डिस्काउंटेड है बट इट इज़ गुड। अगर 4400 का मिल रहा है और अगर आपको और भी ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आई वुड एडवाइज़ कि आप राइडिंग पैंट लें, उसके अंदर नी गार्ड नी प्रोटेक्शन प्लस हिप प्रोटेक्शन आ जाता है, प्लस उसके अंदर रेनी लेयर भी आती हैं, बहुत सारी मैश कंटेंट भी रहता है, प्लस पॉकेट्स भी रहती हैं, तो मतलब वो मल्टीपर्पज़ हो जाती है, प्लस काफ़ी अच्छी रहती है। बट हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको वो लेनी चाहिए, डेफिनेटली लेनी चाहिए वो चीज़, वो बहुत अच्छी है। अभी जो बहुत सारे नी गार्ड आते हैं ना, थोड़ा उनका साइज़ थोड़ा स्मॉल रहता है, अभी साइज़ कम होने का नुकसान ये होता है अगर मैं इसको पूरे पैर पे बांध लूँ तो मेरे पैर का ना थोड़ा सा पार्ट बचा रह जाएगा, क्योंकि ये छोटा है तो पूरा पैर कवर नहीं करेगा, राइट। अगर पूरा पैर कवर नहीं हुआ और वहाँ पे कुछ लगता है तो ये इसको संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा पैर को, पूरा कवर ही नहीं कर पा रहा है। उस हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मेरी हाइट भी कुछ खास नहीं है, तो ये मेरा पूरा के नीचे का पूरा पैर कवर कर लेता है, प्लस थोड़ा बहुत थाइस का भी पार्ट कवर कर लेता है। एंड जस्ट टू गिव इन अ स्मॉल टिप, जब कभी भी लॉन्ग ट्रिप्स करो कभी भी अपना फ़ोन अपने जेब में मत रखना, पॉकेट में मत रखना,
क्योंकि अगर आप गिरते हो तो सबसे पहले आपका फ़ोन ही टूटता है, ठीक है। और फ़ोन की आज क्या इंपॉर्टेंस है मुझे शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बंदा सोते उठते जागते हकते सब मैं फ़ोन यूज़ करता, बाकी कुछ यूज़ नहीं करता। मैंने मेरे और मेरे भाई के लिए अभी न्यू ग्लव्स ऑर्डर किए थे, ये रैनॉक्स है, रैनॉक्स एयर GT, ओके। एक पैर मेरा, एक पैर मेरे भाई का, ये वाला आपको दिखाता हूँ कैसे हैं। निकल, ठीक है। तो काफ़ी सेफ्टी परस्पेक्टिव से बहुत अच्छे ग्लव्स हैं। आपको इसमें यहाँ पे पाम पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, नकल पे अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाता है, अंदर भी एक थोड़ा सा लेयर है जो आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा, प्लस मैश है जिससे हवा अंदर जाती रहेगी तो गर्म फील नहीं होगा, प्लस ये प्योर लेदर है ग्लव्स ये करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्लस हम पे भी थोड़ा सा कुशनिंग दिया हुआ है जो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अभी ये जो एयर GT है रैनॉक्स का, ये सी लेवल 1 सर्टिफाइड ग्लव्स हैं जो 2015 नकल प्रोटेक्शन जो सर्टिफिकेशन था उनको ये प्रॉपरली सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इनका सेफ्टी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, प्लस हाथ में भी बहुत कंफर्टेबल हैं ग्लव्स, तो मतलब देखने में भी अच्छे दिखते हैं और वैसे भी अच्छे हैं। तो आपको यहाँ प्रोटेक्शन मिल जाता है, यहाँ अलग से एक मैश का एक अलग से लेयर है, दो लेयर है यहाँ पे अंदर, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ जो आपको भी दिख रहा है, प्लस पकड़ने में भी ईजी है हाथ, मतलब हाथ का शेप ले लेते हैं आपका, जस्ट प्रॉपर साइज़ होना चाहिए, आपका शेप प्रॉपर अपने आप ही ले लेते हैं, तो ओवरऑल अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। और जब जस्ट टू मेक श्योर, जब आप फ्यूचर में कभी भी अपना कोई ग्लव्स खरीदो तो मेक श्योर करना टिप पे ना थोड़ा सा स्पेस हमेशा बचा रहे, जैसे मेरे यहाँ पे बचा हुआ है, इतना स्पेस बचा है यहाँ पे इतना स्पेस बचा हुआ है, ओके। ये रीज़न मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसा आपका ये ग्लव्स है और आप इसको हैंडल को ऐसा पकड़ते हैं, बाइक का हैंडल को पकड़ेंगे ना तो ये ना थोड़ा सा ऐसा, यहाँ से जब ये मुड़ता है तो ये ना ऊपर सरक जाता है, नॉर्मल जैसा आप पैंट पहना आपने नीचे बैठे तो पैंट कैसा पैर के ऊपर सरक जाती है थोड़ी सी, सेम वे इसमें होता है। तो जब ये यहाँ बहुत टाइट हो जाएगा ना तो स्टार्टिंग फील नहीं होगा, जैसा आप 2-3 घंटे चले, नहीं नहीं तो जब आपके फिंगर टिप होती है पेन करना चालू कर देती है और दर्द होता है उनमें, फिर और फिर आप जब भी ब्रेक मारोगे क्लच दबाओगे ना तो अनकंफर्टेबल हो जाता है बहुत। तो उस हिसाब से कभी भी ना थोड़ा जब भी लोगे तो साइज़ ऐसे लेना कि वो हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा निकले, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये हो गए मेरे भी लेटेस्ट जो मैंने अभी मंगाए हैं, इनकी कॉस्ट है 2550, तो ये मेरे को मिले थे 2300 में, तो कुछ डिस्काउंट चल रहा था तभी मैंने ये ऑर्डर किए थे। एक आइटम और रिसेंटली ऑर्डर किया था, ये है अपना वेस्ट पॉकेट छोटे वाला कमरे बांधने वाला, ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास जो दूसरा है जो मैं यूज़ करता हूँ वो उसका कॉस्ट कुछ 800 रुपये था और ये कुछ 1350 रुपये का है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1300 या 1350 का इसका प्राइस है। ये भी रैनॉक्स है, इसका फ़ायदा ये कि ये फुल वाटरप्रूफ है तो आपको टेंशन नहीं है, मेरा वाला जो है ना दूसरा वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये मेरे भाई के लिए ऑर्डर किया था। तो अभी देखो ये कितना ही पानी आने दो, ये फुल ये जो लेयर है प्योर वाटरप्रूफ है, आपको पानी से कुछ ख़राब नहीं होगा, एट द सेम टाइम जैसे नॉर्मल दूसरे बैग्स में आता है, ये पूरा वाटरप्रूफ एरिया है, ऐसा छोटा सा कंपार्टमेंट, अच्छा खासा सामान आ जाएगा इसके अंदर। इसको चिपकाओ, फोल्ड करो, इसको वापस लॉक करो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लॉक करो, ये हो गया, गुड टू गो। प्लस यहाँ पे एक बॉटल भी रख सकते हो, बॉटल रखने का भी अच्छा खासा जगह है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे अगर छोटा मोटा की रख सकते हो वो भी है, प्लस यहाँ पे भी थोड़ा सा कंपार्टमेंट दिया है देखो, तो मतलब जगह ही जगह है इसके अंदर, आप छोटे छोटे कंपार्टमेंट बोल के बहुत जगह, प्लस यहाँ पे जिप दिया है, यहाँ पे भी आप छोटा बहुत थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, और प्लस क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया। ये भी मैंने भाई के लिए ऑर्डर किया था, एक्चुअली सब कुछ भाई के लिए है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट आई थिंक सब कुछ है मेरे पास, मेरे को एक एक्स्ट्रा ग्लव्स चाहिए था जस्ट फॉर यू नो बैकअप, कभी कुछ हो जाए तो मेरे पास होना चाहिए, इसलिए मैंने वो ग्लव्स ऑर्डर किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं हमेशा उसका रिप्लाई करता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो, मैं आपको होस्ट रवि, टेक केयर, बाय बाय।